बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गुरेज की एक सबसे खूबसूरत जगह, बड़वन गांव जिसका नाम है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया हुआ, पहले उधर गांव था, तो मैं जा रहा हूँ उधर ही। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ग्रीन मीडोज दिखाऊँगा वहाँ के। तो चले फिर चलते हैं, मेरे साथ आदिल मीर। गाइस, अभी हम पहुंचे हैं खंडियाल गांव में। हम बड़वन गांव में जाएंगे लेकिन खंडियाल के थ्रू जाएंगे। तो ये जो आने वाली विलेज है, सामने जो आएगी विलेज, ये खंडियाल विलेज है। बने रही मेरे साथ, आज जाना हमको बड़वन। वहां पे कैंपिंग भी करते हैं, तो मैं आपको कैंपिंग साइट भी दिखाऊंगा। पहुँचे हैं वापुरा गांव में। ये वापुरा गांव है, तो इसके बीच से हमें जाना है बड़वन। बस कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं बड़वन गांव में। गुरेज के लिंक रोड से ये बहुत ख़राब है, ऊपर से यहाँ पे विंटर में जब बर्फ़ पड़ती है तो बड़ी वो मैकेनिकल की मशीन चलती है, तो वो रोड ही ख़राब कर देती है। यही प्रॉब्लम होती है यहाँ, रोड की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। तो गाइस, अभी हम पहुँचे हैं वापुरा गाँव के एंड में। बस ये सामने पड़ा हुआ बड़वन कैंपिंग साइट और बड़वन की ये खूबसूरत नज़ारे मैं आपको भी दिखाऊंगा। बने रहना मेरे साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पूरा जो आपको नीचे साइड से दिख रहा है, मौसम ख़राब है वरना बहुत सुंदर व्यू आता है इसका। ये पूरा एक गाँव था पहले, तो फिर इसके बाद इसको डैम बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी कुछ देर बाद हम जाएंगे आगे वहाँ पे, जहाँ से वो टेंट लगे हुए हैं, और उधर आगे भी टेंट लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैंपिंग साइट, अंदर जाके भी दिखाऊंगा वहाँ पे टेंट। बहुत ही अच्छी जगह है। और ये जो सामने से रिवर कृष्णगंगा बह रहा है, और यहाँ से ग्रीन फील्ड्स आपको दिख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ये ग्रीन मेडोज जो दिख रहे हैं आपको, बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिख रहा होगा। सामने क्लाउड्स, पहाड़ और कृष्णगंगा का नीलम जिसको बोलते हैं, इसका व्यू। तो ये है रिवर कृष्णगंगा, बहुत ही साफ पानी है इसका, देखिए आपको दिखाऊंगा मैं। तो गाइस, अभी हम बिल्कुल बढ़ रहे हैं गांव के बीच में, मतलब गांव जो था पहले। ये सामने पहाड़ देखिए, अभी तो वेदर कंडीशंस बहुत ख़राब है, बारिश होने वाली है। तो ये जो थे पुराने घर यहाँ से वो दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा सामने जाके दिखाऊंगा आपको। देखो, आज डैम की वजह से घर के सामने जो आंगन होता है उधर भी पानी पहुँचा है। तो ये थे पुराने घर यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल तोड़ फोड़ किया है इन सब का। ये बहुत सबसे गुरेज में सबसे अच्छी ब्यूटीफुल जगह थी।
तो गाइज मैंने आपको बोला था मैं आपको कैंपिंग साइट दिखाऊंगा, तो अभी मैं एंटर हो रहा हूँ जहाँ पे कैंपिंग करते हैं रात को। ये एक जगह है कैंपिंग की, यहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ पे जनरेटर, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी सारी, खाने पीने की सब कुछ मिलेगा आपको। अगर कैंपिंग करना हो तो गुरेज में कभी आके इस जगह पे ज़रूर आना, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। मौसम ख़राब होने की वजह से आपको यहाँ पे उतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आपको पता है जब सूरज होती है तो कितना ब्यूटीफुल दिखता है, और वो भी ज़्यादातर पहाड़ों में। तो गाइस ये है दूसरी कैंपिंग साइट यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गाड़ी से ही शूट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि बारिश होने वाली है, मुझे घर भी पहुँचना है। तो ये थी दूसरी जगह कैंपिंग की, और अभी आगे आने वाली तीसरी जगह वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये जो गाइस है ये तीसरी जगह कैंपिंग की, यहाँ पे भी बहुत अच्छा मज़ा है, आप यहाँ पे आना ज़रूर और कैंपिंग करना गुरेज में होके। तो गाइस ये थी तीसरी जगह बडवन गुरेज में। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, मैंने आपको कैंपिंग साइट्स भी दिखाई, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अब आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर तो करना ही करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।